गठन करो, गठन करो, गठन करो। बलात्कारियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शांति इधर आ जाओ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बंद करेंगे हम करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे, बंद करेंगे हम करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे। पतियों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पतियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पतियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं मैम आज अगर बात करें, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महिलाएं आज अगर समाज की बात करें तो इस समाज में ना महिलाएं सुरक्षित नजर आ रही है, ना बच्चिया सुरक्षित नजर आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि पहली बात तो जो लोग हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग हैं, उसमें बलात्कारियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये बलात्कारियों को और जो सीट देते हैं एमएलए और एमपी, ऐसे लोगों को कोई अधिकार होना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि हम ये कहते हैं कि आज हमारा ये जनवादी महिला समिति का पूरे प्रदेश में निर्भया जो कांड हुआ था 2012 में, निर्भया की बरसी है, कल बरसी से पूर्व संध्या पे हमने सभी हरियाणा में ये प्रोटेस्ट किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, तमाम मांगे उसमें शामिल की है। हिसार में पीएसएफ जो स्टूडेंट छात्र स्टूडेंट जो लीडर हैं और जनवादी महिला समिति की ओर से अभी डीसी साहब को हम ज्ञापन दे के आए हैं, उनसे बातचीत भी हुई है कि तमाम स्कूलों के अंदर यौन उत्पीड़न कमेटियां गठित की जाए और उसमें संवेदनशील लोगों को शामिल किया जाए, बोर्ड पे उनके नाम और फोन नंबर हो और शिकायत पेटी का लिखी हो ताकि वो अपना अपनी शिकायत समय रहते कर सके। दूसरा हमने अभी बातचीत की कि बैक टच और गुड टच की क्लासें हैं वो लगाई जाए और अभी डीसी साहब ने कहा कि हमें अब 2-3 साल से बंद हो गया, पहले हमने ऐसा काम कोशिश किया था अब भी करेंगे और जो भी प्रगतिशील लोग हैं सामाजिक लोग हैं ऐसे न्याय चाहते हैं उनको भी हम शामिल करके ये प्रयास करेंगे। मैम स्कूल भी तो सुरक्षित नहीं है, कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी कि निजी स्कूल के जो संचालक हैं टूर पर बच्चियों को लेके गए थे और उनके साथ अश्लील हरकत की थी। हाँ वहाँ बच्चिया तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पितर सत्ता है ना और पितर सत्ता के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जा और सेक्स सिंबल की तरह जो मानते हैं, महिलाओं को बच्चियों को जब तक इस देश की मुख्य नागरिक के रूप में बराबरी के नागरिक के रूप में नहीं समझा जाएगा तो ये छेड़खानी नहीं हटेगी कि उसका शरीर है, महिला का भी शरीर है और पुरुष का भी शरीर है। वो जो खेल में जाती हैं तो कैसे दमखम लगा के वो लड़ती हैं और इसलिए हम ये कहते हैं कि समाज सुधार आंदोलन भी चलने चाहिए और सत्ता में जो लोग हैं वो बलात्कारी अपराधी जब तक रहेंगे तो अपराध नहीं रोक सकता और जितना बड़ा जो अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मिली भगत से होते हैं ना ये इनकी सिफारिश करते हैं कि जो हमारा रिश्तेदार है, ये हमारे चुनाव में काम आया था, ये हमारे नज़दीक है, पैसे के दम पे, और पैसा भी बहुत एक बड़ा खेल है, दूसरा नशा भी इसमें एक बड़ा कारण है। इसलिए ये समाज सुधार आंदोलन भी चले और सामाजिक लोगों को आगे भी आना चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और महिलाओं को न्यायप्रिय लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को चुनाव में भी हम वोट नहीं देना चाहिए, ऐसे बलात्कारी लोग हम नहीं चलेंगे और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढकोसड़ा बंद करो और बेटियों को न्याय दे और उनका रिहेबिलिटेशन का पुनर्वास का प्रबंध करे। यहाँ बजट ही नहीं है और बजट है तो वापसी चला जाता है इनको। कई एक बार हम आए थे, पहले डीसी थे, हमने कहा जी वो बजट बोला जी वो मेरे को पता ही नहीं है, तो इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए जो जिले के मुख्य अधिकारी हैं तमाम लोगों। इसके साथ साथ कमेटियां बनी हुई है बहुत पहले 2010 में, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई डीओ उन पे इंक्वायरी करता, ना ही कोई टीचर उनको गौर से लेता, यानी बच्चियों की जो सुरक्षा है उसको लेके बहुत ही संवेदनशील जो होना चाहिए वो सरकार के भी कोई जू नहीं रहेंगी और इसके साथ साथ अफसरों के भी कोई जू नहीं रहेंगी इस बात की। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है इस पे गौर किया जाए, कमेटियों को गठित करके उनको
बाकायदा लागू किया जाए, लागू करके सिंसियर तौर पे, ऐसे नहीं कि बना दी कमेटी नहीं, रजिस्टर में ना रहे वो कमेटी, वो कमेटी बाकायदा मीटिंग करे, बाकायदा बच्चों को पता हो कि भैया ये कमेटी के मेंबर हैं, ताकि वहाँ शिकायत कर सके बच्चियाँ। ये जो हालात हो रहे हैं देश में हमारी बच्चियाँ स्कूलों में, जिससे हम विश्वास करते हैं, जो प्रिंसिपल है काला वो लगा के, पूरा गेट काला लगा के और लड़कियों के साथ मतलब छेड़छाड़ करता है, ये हालात जो आगे से आगे दिन बर दिन रोज, अभी 3 दिन पहले कैथल में जो हुई घटना, तो ये जगह जगह जो घटनाएं हो रही है, इनका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन बदमाशों को सख्त से सख्त सजा मिले।